सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टेबल क्रिएट करते हैं और अगर हमें जरूरत है उसके जो बॉर्डर्स हैं उसकी जो मोटाई है उसको बढ़ाने की, यानी कि जो थिकनेस है उसको बढ़ाने की, तो वो हम कैसे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले एक वीडियो शुरू करूंगा, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की हुई है। अब अगर हमें इसके बॉर्डर की थिकनेस बढ़ानी है तो बीच में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। तो जब आप बीच में क्लिक करेंगे तो ऊपर एक नया टैब एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखिए डिजाइन टैब, ठीक है, लेआउट के जस्ट बगल में। ये डिजाइन टैब स्पेशली बॉर्डर के लिए, सॉरी टेबल के लिए ही है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एक टैब डिजाइन टैब ऐड होता है लेकिन वो बॉर्डर से रिलेटेड नहीं होता, ये देखिए, ठीक है। इसमें बाकी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो डिजाइन टैब है ये तभी एक्टिवेट होगा जब हम टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, जब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं तो आप देखिए डिजाइन टैब ऊपर से हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डिजाइन टैब आपको शो नहीं हो रहा है। अब मैं दोबारा जब इस टेबल में क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि ऊपर हेल्प के जस्ट बगल में लेआउट और डिजाइन टैब दोनों ऐड हो जाएंगे, ये देखिए डिजाइन टैब और लेआउट, ठीक है। अब चलिए डिजाइन टैब पे क्लिक कर देते हैं। डिजाइन टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जाना है हमें इस ड्रॉप डाउन पे, ठीक है, ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ लाइन विड्थ, ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए। और यहां पर आपको जो उसकी थिकनेस है यानी कि जो उसकी मोटाई है, बॉर्डर की मोटाई बढ़ाने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 पर ही रहने देता हूं, 3 पॉइंट पे ही रहने देता हूं। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए पेन जैसा कुछ बन जाएगा। अब आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं ऐड करता हूं, नीचे ही देखिए ऑप्शन है, आप चाहें तो यहां से रेड कलर या कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस मतलब बॉर्डर को भी आपको थिक करना है, चौड़ा करना है, सॉरी उसकी मोटाई बढ़ानी है, बस वहां पर जाकर के इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये थिकनेस इसकी बढ़ गई, ठीक है। जहां पर भी आपको बढ़ाना हो बस उस पर आप क्लिक करते जाइए और आप देख रहे हैं कि थिकनेस इसकी बढ़ गई।